राम राम जी, मैं आपका अपना एक केरो तकिया। और भाई आज हमारे साथ अपने हरियाणा की बहुत ही अच्छी और प्यारी कलाकार ज्योति जिया। तो आज हम इनके बारे में पूछेंगे, इनके जो सॉन्ग वगैरह भी निकाले हैं ज्योति जिया ने। और अगर आपने इनका यूट्यूब चैनल नहीं देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आई बटन में भी लिंक मिल जाएगा, जाके ज़रूर देखें, एक बार चैनल को विजिट ज़रूर करें। और राम राम। हेलो जी, राम राम। मैं हूँ आपकी अपनी सिंगर ज्योति जिया, और जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, एके रोहतकिया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आज मैं एके रोहतकिया से लाइव जुड़ी हूँ। जितने भी हमारे जो चैनल से जुड़े हुए हैं, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा और जुड़े और हमें सपोर्ट किया करो। और आज बहुत खुशी हुई कि आज मैं आप लोगों से लाइव जुड़ रही हूँ। जी बिल्कुल, बहुत बहुत प्यारे हमारे दर्शक हैं, ज़रूर प्यार देंगे। अगर ये प्यार नहीं देंगे तो हम भी कुछ नहीं है। तो मैडम, आपके जो सॉन्ग हैं, वे सॉन्ग आप खुद ही लिखते हो? हाँ सर, खुद ही लिख रही हूँ फिलहाल तो जी। तो आपका क्या मन में क्या विचार आता है, किस चीज़ के सोच के आप ये सॉन्ग लिखते हो? सर एक मतलब लोग किसी को तो प्यार हो जाता है उस पे लिखते हैं, और कोई अपनी मतलब जो मैरिड होते हैं वो अपनी वाइफ के ऊपर लिख लेते हैं, लेकिन मेरा ऐसा कोई मोटिवेट ऐसा कुछ नहीं है। मैं लिखती हूँ पब्लिक के लिए भी, जो अब क्या जनरेशन चली हुई है, अब उनको क्या पसंद आएगा, क्योंकि परिवर्तन के हिसाब से चलना चाहिए। हाँ बिल्कुल। तो मैं उस हिसाब से बस सोचती हूँ और फील करती हूँ, बस वो लिख लेती हूँ। जो मन में है वही लिख देगा? हाँ जी सर, जो मन में है। अब मेरे को जैसे फ़ोन आते हैं, बोले जी आप फोक टाइप करो, मैंने कहा जी सब एक जैसा करेंगे तो फिर मैं अपना क्या करूँगी। जी बिल्कुल, कुछ ना कुछ हटके करें। जी तो मेरा हमेशा मोटिवेट यही रहता है भी, जो मेरी थिंक है, जो मेरी पर्सनल जो मेरी सोच है, कि उस हिसाब से मतलब नया नया कुछ देना चाहिए। अगर हम सेम वही करते रहेंगे तो फिर हम अपनी कलाकारी कब दिखाएंगे? जब भगवान ने हमें जो कलाकारी दिया, हम उसको तो दिखाएं पब्लिक को। जी जी, पब्लिक को दिखाना तो ज़रूरी है। जी, जी, जी। अगर हम अपनी कला को बाहर नहीं निकालेंगे तो किसको हाँ, क्या पता चलेगा जी, कि इस इंसान के अंदर ये कला है। एक बार तो ट्राई करना ज़रूरी हाँ, है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मैडम, आपने कितने साल हो गए इस इंडस्ट्री के अंदर? सर अभी ये फरवरी चल रही है 2021, अभी 5 साल हो गए सर। 5 साल हो गए। तो आपने तो बहुत सारे अपने हरियाणा के कलाकारों के साथ में काम किया होगा। बस मेरा सौभाग्य है। किस किस के साथ कर लिया? सर अभी लेटेस्ट में तो चल रहे हैं भाई अपने सुभाष फौजी सर, माय बिग रिस्पेक्टेड, और अपने राजू पंजाबी सर, विन्नू सर, और भी डीसी मदाना सर, जो भी मतलब मेरे सीनियर कलाकार हैं, सबके साथ अभी कर रही हूँ ड्यूट में, लेके आ रहे हैं नया नया मसाला। जी जी, हम भी दुआ करेंगे कि आपको तरक्की मिले इंडस्ट्री के अंदर। और मैडम, आपका कोई आने वाला प्रोजेक्ट? अभी तो आया ही है मेरा प्रोजेक्ट, मखणा सॉन्ग आया है जो कि मैंने और राजू पंजाबी सर ने लिखा है उसको, और सर का ही म्यूज़िक है, और ये मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे आया है ज्योति जिया। तो आपने भी नहीं सब्सक्राइबर किया तो कर देना सर। अरे मैंने तो कर रखा, बहुत पहले ही कर दिया था। तो, मैं तो आपसे मिला भी नहीं था तभी कर दिया था। अच्छा, थैंक यू जी, थैंक यू। तो मैं आपको दो लाइन गा के सुनाना चाहूँगा। जी सुनाइए। सुन मेरी बात मखेणा, तेरे पे दिल हारे ओ पेणा, तेरा भोला बनिया छोर मेरी आँखियाँ में रम गया, साफ सी बात मैं बोलूं तेरा मेरा रंग चढ़ गया, साफ सी बात मैं बोलूं तेरा मेरा रंग चढ़ गया। वाह जी वाह, मौज कर दी। थैंक यू जी। और आपका आपने 5 साल तो हो गए इंडस्ट्री के अंदर, तो आपका कोई फनी मोमेंट है जो आपको अभी तक, अगर आपके दिमाग में वो बात आए सूट पे कि हाँ भाई वहाँ पे ये चीज़ हुई थी, तभी आप मन मन में हंसने लगे? सर शूट वूट पे तो होती नहीं, लेकिन जब मैं रिकॉर्डिंग स्टूडियो में होती ना कहीं भी, तो जैसे मस्ती मजाक तो होते ही हैं। जी बिल्कुल। और जब भी मैं अपना एक स्टूडियो है हासिम या आरके क्रू स्टूडियो, और जैसे राजू सर हो गए, मैंने जब भी वहाँ रिकॉर्डिंग होती ना तो वहाँ मस्ती मजाक चलते रहते, तो वहाँ पे फ़नी मोमेंट्स बहुत सारे होते हैं। जैसे कि गाना गा रहे हैं तो एकदम से ऑडियो बंद कर देना, ट्रैक रोक देना, सिंगर पूरे मूड में आगे बोल जाए। हाँ ऐसे करके मतलब बहुत सारे मोमेंट्स हैं ऐसे। तो ये थे हमारे साथ ज्योति जिया जी। और अगर आपने इनका सॉन्ग नहीं देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आपको राइट साइड में भी इनकी वीडियो दिखाई दे जाएगी, जाके ज़रूर देखें एक बार। और हमारे चैनल के लिए दो लाइन। एक के रोहतकिया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। और अगर हमारा इंटरव्यू आपको पसंद आया हो तो और आर्टिस्टों के इंटरव्यू देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और दोस्तों, अगर आपने हमारी ज्योति जिया के बारे में और कुछ जानना है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम दोबारा फिर से मिलेंगे, कोई दूर थोड़ी है।
और मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ओके बाय बाय, जय हिंद जय भारत।